नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस तरीके से एमपी में लगातार सोयाबीन के भाव को लेकर जो खबरें निकल के सामने आ रही है, किसान असंतुष्ट। और जिस तरीके से नीमच से एक तस्वीर निकल के आई थी जहां पर किसानों ने अपनी फसल खेत से उखड़ा दी, जो खड़ी फसल थी उसको उखड़ा दिया, जिस तरह की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी सुबह से, और लगातार हम आपको वहां कवरेज पर दिखा रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो हमारे साथ दो अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बात है किसान नेता डीपी ढाकड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करें, आखिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं, अब की बार 6000 पार सोयाबीन की फसल, तो ऐसे में पवन जी बात करें तो किस तरीके से जो है लगातार किसानों के भाव जो है सोयाबीन के गिरते हुए जा रहे हैं, और सरकार को लेकर उनका ध्यान आकर्षण करने को लेकर जो पोस्टर वायरल हो रहे हैं कि अब की बार 6000 पार, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से भाव अभी हम भी मानते हैं कि बहुत कम है, और परंतु ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किसानों की चिंता करी है। और जब जहां पॉलिसी बनाते समय जहां पर भी संभावनाएं बनी हैं वो की दिशा में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कदम उठाया है। और आज अगर हम बात करें विकास प्रक्रम और अगर हम बात करें सोयाबीन की फसलों के भाव की, तो पूर्व में भी अगर हम बात करें तो पिछली बार भी लगभग 6% MSP सोयाबीन के भाव में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। और अभी भी ये सारी जो बातें हैं और जो किसानों का जो दर्द है, निश्चित रूप से उस पर भी अभी विचार चल रहा है। मेरी कुछ दिन पहले हमारे जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह जी चौधरी, और अभी सांसद भी हैं, वो इस बार वो लोकसभा सांसद बन चुके हैं, और सम्मानी बंशीलाल जी गुर्जर से भी बात हुई थी। दोनों ने ये कहा था कि हमने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी और सम्मानी मोहन यादव जी दोनों के समक्ष ये विषय रखा है, और कुछ न कुछ निराकरण की दिशा में निश्चित रूप से सरकार बढ़ेगी, और किसानों के हित में सदैव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और आगे भी किसान हितेशी योजना या उस पॉलिसी सोयाबीन को लेकर भी कोई न कोई योजना कर। डीपी ढाकड़ जी, पवन जी ने बड़ी बात कही है कि योजना तैयार करने की बात वे कह रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर आप? देखिए, ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है। वास्तविकता में आज जो स्थितियां बन रही है, और वो कोई आज की बात नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे तब से लगाकर आज दिन तक लागत रोज बढ़ रही है और रेट रोज घट रहे हैं। आज सोयाबीन का उत्पादन आप देख लें, 6 क्विंटल और 7 क्विंटल हुआ करता था, वो 2 क्विंटल और 3 क्विंटल के मध्य ही सिमट गया है। और पेस्टिसाइड और जितने भी खाद्य हैं, DAP ले ले, यूरिया ले ले, या हम ये कह दें कि पहले हमको एक या दो बार स्प्रे करते थे या नहीं करते थे और सोयाबीन पक जाता था, आज स्थिति पवन जी भी जानते हैं 3 या 4 बार स्प्रे करना पड़ रहा है। ऐसी दशा में हमारा सरकार के उस विषय को लेकर आज आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है कि आज सरकार कुछ भी करे, पर विदेश से जो आयात किया जा रहा है उस पर अगर सरकार ध्यान दे दे तो भारत का किसान आत्मनिर्भर है और भारत के किसान को पर्याप्त रेट मिल सकता है। केवल सरकार की वो पॉलिसी जो विदेश से हमेशा आयात करने की नियत रही है, उसके कारण हमारे यहाँ का किसान बर्बादी की राह पर जा रहा है। आज आप देख रहे हैं, लोग अपने फसल में कोई गाय या भैंस घुस जाती है तो उसकी जान जल जाती है, वो झगड़े पर उतारू हो जाता है, लेकिन आज खुद को खेत की जुताई करना पड़ रही है, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। पवन जी, बड़ी बात कही है डीपी ढाकड़ ने कि सरकार आयात पर रोक लगाए, क्या कहेंगे? आखिर आयात पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही मध्यप्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार? देखिए, उसके पीछे कई सारे विषय रहते हैं, एकमात्र वो नहीं रहता है कि सिर्फ हमारे हाथ में या एक देश किसी भी इम्पोर्ट पर अगर रोक लगाएगा तो अन्य देशों से बहुत सारे प्रकार के समझौते भी रहते हैं। हम अगर बात करें कि अभी जब चाइना से लहसुन चोरी छुपे आ रही थी तो हमारे ही क्षेत्र से आते हैं बंशीलाल जी गुर्जर, जो किसान नेता भी हैं और किसान हितेशी भी हैं,
उन्होंने अपनी ही सरकार के समक्ष वो विषय उठाया, उनने शिवराज जी से कहा कि ये जो चोरी छुपे लहसुन आ रही है चाइना से, इस पर और सख्ती से रोक लगनी चाहिए। तो जहां संभव है वहां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस विषय को उठाते हैं। और जब से बंसीलाल जी ने उच्च सदन में ये विषय उठाया तो कहीं न कहीं लहसुन जो जितनी तेजी से आ रही थी और उसके कारण से कहीं कहीं किसानों को जो लहसुन का भाव मिलना चाहिए उसमें कहीं रुकावट आ सकती थी, तो उस बड़ी रुकावट को उनने आने से कहीं कहीं बंसीलाल जी की जब आवाज उच्च सदन में उठी तो उस पर उचित कार्रवाई हुई और लहसुन जो चाइना से आती है उस पर रोक लगाने के सब संभव प्रयास हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उस दिशा में चिंतित नहीं है। और ये बात डीपी धाकड़ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये कोई बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, हम सभी किसान हैं, वो किसान हैं, मैं भी किसान हूँ और किसान प्रधान देश है। तो परंतु ये बहुत सत्य है कि शिवराज जी जब से बने हैं 0% ब्याज पर अगर किसी ने पैसा देने का काम किया है, जहां 18% और 23% ब्याज सोसाइटी लिया करती थी, आज 3 लाख रुपए तक 0% ब्याज अगर किसी ने किया है तो वो भी शिवराज जी ने किया है। और शिवराज जी किसान हितेशी मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए हैं। इतने लंबे समय से बीमा कंपनियों को किसान प्रीमियम जरूर भरा करते थे, लेकिन कितनी बार बीमा पूर्व में मिला है ये भी सब लोगों के सामने है। और अब लगातार बीमा कंपनियां बीमा देने पर मजबूर हो रही है क्योंकि किसान उनको, सरकार उनको कहीं कहीं मजबूर कर रही है। लगातार अभी भी बीमा मिला है वो तो अभी हम बात कर रहे हैं और मुझे नहीं मालूम था किस विषय पर हम बात करने वाले हैं, नहीं तो मैं मेरे कागज भी बता था, मेरी माता जी का कागज भी बता था कि अभी थोड़े पवन जी डीपी धाकड़ कुछ कहना चाह रहे हैं आपके बीमे वाले बयान पर, क्या कहेंगे डीपी जी? देखिए आज विषय सोयाबीन का है, हम लोग न तो राष्ट्रीय स्तर की बहस में पड़े और न मैंने पहले ही बोल दिया मैं इस मामले में आप जहाँ सरकारें अच्छा करती है वो साधुवाद रहता। बंसीलाल जी गुजर ने जो मामला उठाया तो बंसीलाल जी गुजर को पता है कि चाइना का लहसुन अफगानिस्तान के नाम से भारत में आ रहा था। भाई साहब एक बात बताओ आप, अरे लहसुन कांदा ही अगर विदेश की गलत तरीका थी आई जाएगा तो बम आवाम का ही देर लगेगा। वो बड़ी बड़ी बातें की बात नहीं है, बात ये है कि जीएमओ जो विदेश में तेल है जो वहां पर खाने योग्य नहीं है वो भारत सरकार बिना टैक्स के देश में निर्यात कर रही है। उस निर्यात नीति की वजह से हमारे देश का सोया पूर्णतः, मैं आपको बताऊं रुचि सोया प्लांट रतलाम में भी एक है, मेरे खेत के पास ही है, यहाँ पे 1 किलोमीटर पे 2000 लोग मजदूरी करते थे, आज वहां पर बंद पड़ा हुआ है, करोड़ों का प्लांट बंद है। और हमारे देश के ज्यादातर प्लांट इसलिए बंद हो गए कि विदेश से इतना सस्ता तेल आ गया कि हम उसको यहाँ के तेल वाली कंपनी और किसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। शिवराज जी ने जो किया है आप और हम सबको मालूम है। आप बीमे पर बात करें तो मैं चाहता हूँ कि आज एक ही विषय पर बात हो, अगर बीमे पे करना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार 2800 करोड़ रुपया हमसे प्रीमियर जमा कराती है और 250 से 300 करोड़ रुपया वो किसानों को देती है, केवल 250-300 करोड़, ये मैं नहीं बता रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा बता रहा है। और केवल कमलनाथ जी के समय बिना किसी पटवारी और बिना चक्कर के थोक में आप और हम सब लोग जानते हैं उन्होंने बीमा दिया था। लेकिन आज विषय ये नहीं है, विषय सिर्फ सोयाबीन का है, तो हम सोयाबीन वाले मामले पर बात करें तो आज के आप, मैं रोज गांव गांव में सभाएं कर रहा हूं, किसानों की पीड़ा को देखो पीला मोजक आ गया है, किसानों की पीड़ा को लागत देखो, गांव में हम मीटिंगों में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि 12-15 हजार रुपया तो खर्चो वेवा मंडी क्यों। उसके बाद उनकी ये स्थिति है कि उत्पादन में उनके खेत का भाड़ा और उनकी मेहनत छोड़ दो तो भी सोयाबीन घाटे का सौदा है, फिर विदेश से आयात क्यों कर रहे हैं। बंसीलाल जी गुजर ने अच्छा उठाया, बड़ी बात कही है दीपी धाकड़ जी ने कि आयात क्यों किया जा रहा। पवन जी अगर बात करें जिस तरीके से नीमच की जो तस्वीर निकल गई है आज के, किसानों ने सोयाबीन की फसल अपने खेत से जो खड़ी फसल थी उसको उखड़ा दिया, जिस बात करें तो आपके ही विधानसभा का ये मामला है, जिस अगर बात करें तो जो तस्वीर हम आपको सुबह से बता रहे थे उस पर क्या कहें, आखिर किसान इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्या सरकार जो जिस तरीके से समर्थन मूल्य की बात कही है, जिस तरीके से बात कही है, तो क्या मानते हैं आप सरकार ये करने में भी नाकाम रही है?
और समर्थन मूल्य शिवराज जी जैसे वरिष्ठ लीडर लोकसभा में बोल रहे हैं हम एसपी एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। अरे जब गारंटी दे रहे होते तो 4,892 रुपए में खरीद लो ना। प्याज का भी आप लोगों ने ऐसा ही करा, जब बोला भारत के खाद्य मंत्री ने बोला कि हम प्याज को 24 रुपए 10 पैसे में खरीद रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक भी हिंदुस्तान में कहीं मध्य प्रदेश में एक प्याज का कभी छिलका नहीं खरीदा इन लोगों केवल अपन क्या कहेंगे पवन जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पवन जी आपसे मेरा सवाल है, आप क्या कहेंगे इस पर? डीपी भैया प्याज तो इस बार खरीदा तो भई है और आपको भी मालूम है कि नाफेड ने भी खरीदने के लिए आगे आई है, पर प्याज का वैसे भी जो भाव मिला है किसानों को वो इस बार अच्छा भाव मिला है और नाफेड को तो किसानों ने प्याज दिया ही नहीं है। मेरी तो बात सुनो आप, नहीं नहीं बात गलत है। आपको मालूम है आंदोलन हुआ गए बार, सरकार ने घोषणा करी 2410 रुपए में एक भी प्याज नहीं खरीदा है, तो अभी भाव आया है। अभी भाव आया। अपन इस बार की बात कर रहे हैं कि नाफेड तो बोल बोल के और माल खरीद रही थी पर इस बार किसान ने दिया नहीं, क्योंकि अच्छा भाव मिला और मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसान को हर बार भाव नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी भाव मिलते हैं। ये सब चुनौतियां किसान के सामने बहुत ज्यादा रहती है। और जहां तक आपने सरकार कौन सी फसल में अपन बात करें ना, फसल बीमा पे बात करो तो किस किसान को मिल रहा है? अपन भैया फसल बीमा नहीं मिल रहा है डीपी भैया, ये मत बोलो, आपके परिवार में मिल गया होगा फसल बीमा तो। मेरी बात सुन लीजिए आप, कब मिला? अरे फसल बीमा तो अभी भी मिला होगा सर, चुनाव के पहले घोषणा हुई वो भी नहीं मिला आज दिन तक। चुनाव के पहले शिवराज जी ने 2-3 बार बोला कि 8 तारीख की घोषणा, 8 तारीख की घोषणा, घोषणा नहीं। डीपी भैया आप मेरे को बताओ कि आज से 20 साल पहले दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी, 20 साल बात मत करिए। अरे सुन तो लो, अरे आप मेरा आग्रह तो सुनो, अरे आप मेरा आग्रह सुनो। ये कमलनाथ जी ने तो इस 15 महीने के अंदर जो आपने 15 महीने में कमलनाथ जी ने एक बार दिया और उसकी आप तारीफ कर रहे हो, मेरा ये निवेदन है, अरे मेरा आग्रह तो सुनो, 20 साल पहले दिग्विजय सिंह जी के समय कितनी बार बीमा मिला और लोगों को ध्यान में भी है क्या? वो एकाध बार बीमा मिला था और उसके बाद से जब से भाजपा की सरकार बनी है हर साल अगर नुकसान है तो बीमा कुछ न कुछ किसानों को मिल रहा है और किसान उसकी सराहना भी कर रहा है हम एक दूसरे को। और आज जहां तक सोयाबीन की बात है तो मैंने मेरे शुरुआत में ये बात कही कि सही बात है, बहुत कम भाव मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, और जितनी लागत है उतने भाव भी अभी नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी सत्य है। पर पिछली बार भी भाजपा की सरकार ने ही, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, पर पिछली बार भी भाजपा की सरकार ने 6% का समर्थन मूल्य जो सोयाबीन पर बढ़ाया था वो बहुत कम होता है, मैं उसके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा होता है। पर मेरा एक और आग्रह ये है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैंने बंशीलाल जी को भी बात करी थी और इनसे भी करी थी, हमारे दर्शन सिंह जी चौधरी जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने भी कहा कि हाँ यार पवन भाई इस पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो उन्हें शिवराज जी से भी बात करी, मतलब इस बात को तो हम लोग मान रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बहुत भाव मिल रहा है, सही बात है सोयाबीन का आज जो भाव है। सरकार को अपन एमएसपी पे बात करें 4,892 रुपए, शिवराज जी बोल रहे हैं ना सदन में कि हम एमएसपी गारंटी, चलो उसी पे बात करते हैं अपन, छोड़ दो ये। तो क्या सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू है तो क्या एमएसपी पे बिक रहा है और सरकार को लेना चाहिए? अरे भाई जहाँ किसान बर्बाद हो रहा है वहां तो आपका कानून लागू करो। बड़ी बात कही है डीपी ठाकरे जी, पवन जी के आखिर कानून लागू क्यों नहीं कर पा रही आपकी सरकार है? अगर बात करें पंचायत से लेकर थे दिल्ली तक आपकी सरकार है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके किसान परेशान हो रहा, आज नीमच में जो बड़ी तस्वीर सामने आई है किस तरीके से यहाँ पर किसानों ने फसल उखड़ा दी, अगर बात करें तो किस तरीके से आपकी सरकार को जो लागू करना चाहिए जो नियम जिस तरीके से बात की जा रही है समर्थन मूल्य की बात की जा रही है, तो आखिर क्या कारण है? मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार है और वो सरकार है भी इसीलिए क्योंकि सरकार जनहितैषी है, सरकार किसान हितैषी है। मैं अगर आज जो सोयाबीन का विषय बार बार जो कह रहे हैं, मैंने ये कहा है कि उस विषय पर वरिष्ठ नेतृत्व की जानकारी में है भी और डाल दिया गया है, और निश्चित रूप से चूंकि भाजपा किसान हितैषी पार्टी है तो उस पर भी उचित निर्णय होगा। और जहाँ तक हम बात करें कि किसानों की, तो किसानों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है, हम हमारे क्षेत्र की बात भी करें तो गांधी सागर बरसों पुरानी पानी का इतना बड़ा जल स्रोत अपने यहाँ पर है, पर गांधी सागर से अगर हर खेत तक पानी पहुँचाने की दिशा में
अगर किसी ने कदम उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि इतनी बड़ी योजना लाकर और हर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने पूरे रामपुरा को उजाड़ दिया और गांधी सागर बना, पूरे क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ, पर गांधी सागर से हमारे क्षेत्र को लाभ क्या हुआ? तो आज चाहते वो लाभ हो रहा है, तो इस सबके पीछे भी सरकार की सोच है। तो इसलिए सरकार उस दिशा में लगातार सोचती है और सोयाबीन को लेकर जो हम अभी बात कर रहे हैं उसके लिए भी पूरी चिंतित है, और अभी आने वाले समय में कोई न कोई उसका ऐसा रास्ता निकाल लिया जाएगा कि किसान परेशान ना हो और किसान को किसी प्रकार के बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। डीपी जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या मानते हैं आपके जब किसान की फसल खेत में होती है तो दाम जो है उसके नीचे होते हैं, आसमान पर होते हैं, जब मंडी में वो फसल पहुंच जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं, इस बात को आप मानते हैं? देखिए, ये सर्वविदित है, और आप और हम सब लोग राजनीति में कितना भी घुमा ले और विषय से भटक जाएं, लेकिन वास्तविकता में ये है कि हमारी सरकारें, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरी या तेरी, मैं तो ये कहता हूं जो सरकार वो है वो हमारी सबकी है, लेकिन हमारी सरकार में बैठे जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अगर ईमानदारी से हमारे देश और किसान की बात करें तो हमारे यहाँ का किसान वास्तविकता में जो मेहनत कर रहा है आज की तारीख में, मैं पवन जी या आपको या मेरी बात करो तो ईमानदारी से बता दो, आप कितने भी बड़े किसान हो आपकी औलाद कभी भी खेती नहीं कर पाएगी, हमारी युवा पीढ़ी खेती रही है, आज की तारीख में हमारा पढ़ा लिखा युवा खेती से इतना दूर हो गया है कि हमारी नस्ल और फसल दोनों खराब होने को आ गई है। अगर सरकार इतनी चिंतित है और सरकार को वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है तो हर बार जब हमारा प्याज आता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, जब हमारा लहसुन का भाव बढ़ता है तो उस चाइना के लिए आंख दिखाना ने हाथ दिखाने की बात करते हैं, वो अफगानिस्तान के नाम से लहसुन आ जाती है। आज हमारे पास अमानक तेल, मैं आपको बता रहा हूं नवीन जी, हमारे देश में स्किन में, मैं आपको इस दावे के साथ बता देता हूं, जब से विदेशी तेल आयात होने लगा है हमारे यहाँ बीमारियों का अंबार लग गया है। आज खुजली की बीमारी, पहले डॉक्टर फ्री बैठे रहते थे, आज डॉक्टर खुजली वालों के यहाँ लाइन लग रही, वो तेल की कृपा है, वो अमानक है, उसको बैंड किया हुआ है, वो तेल हमारे देश में आ रहा। अभी मैं आपको मालूम है मेरे यहाँ पर जो अमरूद है, अमरूद मेरा बहुत अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन विदेशी कंपनी आई उसने टेस्ट करके मना बोल दिया कि इसमें कोई केमिकल है जो हमारे देश में अलाउ नहीं है। तो जब हमारे यहाँ का माल जरा सा केमिकल में वहाँ बैंड हो जाता है तो वहाँ का अमानक हम हमारी सरकार ले रही है। बड़ी बात कही है डीपी धाकड़े पवन जी के, आखिर विदेश का माल जो है भारत लाया जाता है उसके दाम ऊंचे होते हैं लेकिन भारतीय किसान के दाम जो है नीचे रसातल में होते, क्या कहेंगे इस पर आप? ये हर मामले में नहीं होता है, फिर अगर मैं कोई दूसरे विषयों पर जाऊंगा तो उनको लगेगा ये हर मैं मतलब हर जगह फॉर्मूला जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, गांधी सागर नहीं, पर मैं गांधी सागर पे नहीं, तो मैं उससे भी बात करूंगा। नहीं नहीं, मैं गांधी सागर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सब मिला के सरकार की सोच की बात कर रहा हूँ। परंतु ये तो हर आधा बता दो मुझे है? तो एक आधा बता दो, कौन सी फसल के लिए हमारी, आप जब ये बात करते हो ना, जब हमारे यहाँ प्याज 100 रुपए हो गया था पवन जी, तब कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में प्याज आने वाला था और शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तब पूरे देश में मीडिया ने दबाव बनाया कि प्याज हमारे किचन से दूर हो गया, तब शरद पवार जी ने कहा था कि हम मीटिंग बुला रहे हैं और पाकिस्तान के ट्रक भर के बॉर्डर पर खड़ा हो गया था पाकिस्तान, तब शरद पवार जी ने 15 दिन लेट मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाई, जिस दिन मीटिंग थी उस दिन शरद पवार जी गए नहीं और 15 दिन बाद महाराष्ट्र में प्याज आ गया और हमारे देश का प्याज अच्छे दाम में बिका। सरकार की नीयत अगर हमारे देश के किसानों के लिए है तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, सड़ा तेल खिलाती नहीं। इसका रास्ता भी निकलेगा और सरकार की नीयत अच्छी है उसके मैं आने को, आपको अगर पिछली बार के आप MSP लगातार 3-4-5-6 सालों पर जाओगे तो भले वो मूंग पर हो, उड़द पर हो, आप तो इन सारी बातों को जानते, सभी पर कहीं ना कहीं MSP और उचित मूल्य देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और जहाँ तक हम आज की बात कर रहे हैं, इसका भी समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निकालेगी, और अगर कहीं न कहीं इतनी किसान अगर समृद्ध हुआ है इस पिछले 20 साल 22 साल 25 साल में, और अगर मध्य प्रदेश में लगातार अगर कृषि कर्मण्य पुरस्कार
जीता है पिछले 5 साल 7 साल से लगातार, तो कहीं ना कहीं किसान की बड़ी भूमिका है पर सहयोगी भूमिका लगातार सरकार की भी है। तो सरकार ये चिंता करने वाली सरकार है, ये वो सरकार नहीं है कि बिजली के तार तो हुआ करते थे, बिजली के बिल आया करते थे पर बिजली नहीं आया करती थी, तो वो थी दिग्विजय सिंह जी की सरकार। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जहाँ मीटर भी लगे हुए हैं, बिल भी आ रहे हैं पर बिजली नहीं आ रही है। तो इसलिए ये सरकार है हर चीज का निराकरण निश्चित रूप से निकालेगी, ये भावनाओं के साथ चलने वाली सरकार है और किसानों के साथ रहने वाली सरकार। तो सुना आपने, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दो मेहमान जुड़े हुए थे, पवन पाटीदार जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, साथ ही अगर बात करें तो किसान नेता दीपी धाकड़ जो लगातार किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं, और किस तरीके से जिस जो सोयाबीन के दामों को लेकर जो खबर निकल के आई कि किसानों ने अपनी फसल खेत से उखड़वा दी और जिस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस मामले को लेकर हमने आज इनसे चर्चा की और किस तरीके से दोनों ही जो मेहमान थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी।